कसम खा लिए होगा कि हमारा फसल बर्बाद करके छोड़ोगे। देखो तो पहले सारा बकरी तुम्हारा धान सड़ गई और आज तुम लौका काट रहे हो, हमारा लौका काट रहे हो, उसके बाद फिर करोगे कार्य, फिर करोगे साफ हमारा बर्बाद कर दिया फसल। पंजी आ गए दोनों दोस्त कबाब में हड्डी बनने, आने तो उस दोनों को। आप लोग इस बच्चों को काहे मार रहे हैं? हमारा फसल बर्बाद कर दिया है और लौका भी काट लिया है, इसको मारे नहीं तो पूजा करे क्या हम? बोलो, आप बोले तो भैया जरूर चाकू मार के फेंक दे यहाँ पर। नहीं, अपना रामपुरी चाकू अपने जेब में ही रखो। नहीं भैया जी, आपका आदेश हो हम दोनों नदी मार के फेंक देते हैं। अपने दोस्त के लिए जान दे सकते हैं तो किसी का जान ले भी सकते हैं, समझा? बोलते कम है लतियाते जाते हैं। चलो दोस्त छोड़िए भैया, चलिए घर, उसके बाद न करेगा हम लोग। जी एक बात बोले, कहो। प्रवीण और अमरजीत जो आपके साथ थी है वो पूरे गांव वालों को पता चल गया है। लगता है भैया जी कि हम लोग खौफ दिन दिन कम होते जा रहा है, हम लोग रुतबा में पीछे लौटना होगा। शांत गोवर्धन शांत। भैया अगर आपका आ गया हो तो दून का सर काट दे हम। अभी नहीं, जो होगा सो अच्छा है। दोनों का साथ देखने का मतलब होता है तबाही, आप बोले तो उनका साथ टूट दिया जाए। सरपंच जी छोटी मुंह बड़ी बात, अब गांव के लोग कह रहे हैं सरपंच जी से कोई नहीं डर रहा है। चुहवा डालो इसमें और घोर गा, मंगवा मीठा पीने का मजा ही कुछ अलग होता है। बबुआ अंग्रेज के अत्याचार से तो सभी लोग आजाद हो चुके हैं, भारत वर्ष चार से उनके आजाद हो गया, लेकिन नेता के अत्याचार से आज तक कोई नहीं आजाद हुआ है। राजनीतिक का खिलाड़ी जो होता है वो हाथ गोर नहीं चलाता है, हम उसे गोली नहीं मारेंगे, फूट डालो और शासन करो, ये हिटलर का कॉमन सेंस है। समझ में आ गया भैया जी, इस दोनों को अलग करना बहुत जरूरी है। तो उसी समय सोच लिए थे जिस समय वो रोबिन मेरा कॉलर पकड़ा, मेरा इज्जत पे तार तार किया, उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। बोलता है ना कि दोस्ती हमारा बड़ा हथियार है, दोस्ती के लिए जीत सकते हैं तो मर सकते हैं। भैया जी उसी का दोस्त उसे मारेगा, चुप। दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए किसी का जान ले सकता है, वही दोस्त एक दूसरे का जान का दुश्मन बन जाएंगे, इसलिए कहा जाता है फूट डालो और शासन करो। आओ बताते हैं तुम लोगों को क्या करना है। समझ में आया? कि इस साल लीची में बहुत घाटा होगा हम लोगों का। इतने साल तब नफा हुआ था भैया जी, लगता है इस साल घाटा लगेगा। बहुत घाटे में जाएंगे हम लोग ना जी, लगता है दावा फिर करना होगा। रोबिन है क्या? हाँ रोबिन, वही लड़का जा रहा किया था। हाँ बुला उसको। ओए इधर आ। क्या है? देखो बबुआ, हमार बात तुमको गलत भले लगेगा, हम गुस्सा को थूक दिए हैं तुम ही थूक दो, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम हमारे बात को दिल और दिमाग में बैठा करके सुन लो, तुम्हारा वो जो दोस्त है जिसके साथ तुम घूम रहे हो और तुम्हारे पापा जी को इनार में उसका पापा डाल करके मार दिया, कि हम जानते हैं बात, ये सच्चाई सारा गाँव जानता है, और तुम उसके साथ घूम रहे हो, ऊपर से तुम्हारे पापा भी देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, मेरा बेटा मेरे दुश्मन के साथ घूम रहा। हम बाद में बात करते हैं। देखो बबुआ,
तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें हम चढ़ा रहे हैं। तुम हमारा मत सुनो, ना किसी का सुनो, तुम अपना दिल का सुनो। यदि किसी को कुछ हो जाता है, उसके फैमिली को कुछ हो जाता है, तो उसका उत्तरदायित्व क्या होता है तुम खुद समझ लेना। चलो, जिसके साथ तुम घूम रहे हो वो तुम्हारे पापा जी को इनार में उसका पापा डाल करके मार दिया। फोन पे फोन काहे कर रहा है? आ गया दोस्त। तुम्हारा बाप हमारा पापा को इनार में डुबा के मार दिया, उसी हरामखोर का बेटा हो तुम। पूरा गांव जानता है कि मेरा पापा ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। अगर एक शब्द बोला मेरे पापा के बारे में तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। भैया जी देखियो, वो क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहा है? हम लोग तो यही चाहते थे। जी जी जी, लड़ने दो उन साले को, लड़ने दो, आपस में मर जाएंगे। हाँ, लड़के मर जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं बार बार कहूंगा तुम उसी हरामखोर के बेटे हो। आप लोग का सरपंच मिल के झगड़ा लगाया कि आप लोग दोनों आदमी कूट के मर जाए। उसके बहकावे में आ गए थे हम, अब बताएंगे उसको दोस्ती का मतलब क्या होता है। चलो दोस्त, ये सब तो मिल गया। लग रहा कि यहाँ से भागना होगा हम लोगों को। भागिए भैया जी यहाँ से जल्दी, पहले सिचुएशन को देखने दो हमें। हाँ जी, लग रहा है कपड़ों से भी ज्यादा धुलाई होने वाला है, यहाँ से भागिए। भागो, भागो।